और भाई लोग, तो क्या हाल चाल है यार। तुम सबके आज की इस वीडियो में तुम सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम सबको बताने वाला हूँ कि जो ये पबजी पीसी लाइट है, इसमें जब भी तुम गेम को अपडेट करते हो तो जो भी एरर आता है उस एरर को फिक्स कैसे करना है, ठीक है। तो देखो यार, जब भी अपडेट आता है तो तुम्हारा गेम जो है एरर करता है, जैसे कि माइक वर्क नहीं कर रहा, गेम जब भी तुम लॉबी में होते हो, तुम कुछ करना चाहते हो तो हो नहीं रहा, बस वो वहीं पर अटक गया है, फ्रीज हो गया है। और जब तुम गेम खेलते हो तो बीच में हल्का सा लैग होता है, स्टक होता है बीच बीच में, ठीक है। तो इन सबको फिक्स कैसे करना है, तो आज मैं तुम सबको यही बताऊंगा। तो चलो यार, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तुम जहाँ पे तुम्हारा गेम फोल्डर है वहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मेरा गेम फोल्डर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तुमको करना क्या है, जो तुम्हारा एक क्लाइंट फोल्डर दिख रहा है ना, ठीक है, ये मेन फाइल है इस गेम की, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी मैं दिखा देता हूँ, 2.82 GB, ठीक है। तो ये मेन फाइल है तुम्हारी, और ये जो बाकी की जितनी भी है, ठीक है, ये 164 MB है, ठीक है। तो तुम्हें जो ये तुम्हारा क्लाइंट फोल्डर है ना, इसको तुमको कर देना है डेस्कटॉप पे, ठीक है, इसको डेस्कटॉप पे ला देना है, ठीक है। और जो भी ये तुम्हारी बाकी की फाइलें हैं, इन सबको डिलीट कर देना, ठीक है। और जो क्लाइंट फोल्डर है इसको बचा के रखना डेस्कटॉप पे, ओके। तो जो क्लाइंट फोल्डर है उसको डेस्कटॉप पे लेने के बाद तुमको यहाँ पे आ जाना है सी ड्राइव में, ओके। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, हाइड आइटम को अनचेक करना है, सॉरी चेक करना है, हाइड जो आइटम है इसको कर देना चेक, ठीक है। फिर नीचे आना, प्रोग्राम डाटा में जाना, और यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा पबजी, ठीक है। ये तो तुमको पबजी दिख रहा है, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देना, ओके। तो अब एक बार बैक आ जाते हैं, और जो ये प्रोग्राम फाइल 86 दिख रहा है, यहाँ पे आना, और यहाँ पे ये पबजी लाइट करके एक फोल्डर मिलेगा तुमको, इसको भी डिलीट कर देना, ओके। तो देखो यहाँ पे ये पबजी लाइट है, इसको डिलीट कर देना, ठीक है। और फिर तुमको आना है यहाँ पे यूज़र में, ओके। फिर तिलक राज, मतलब ये पीसी का नाम है, जो भी तुम्हारे पीसी का नाम है उस फोल्डर में आ जाना, ओके। उस फोल्डर में आने के बाद तुमको यहाँ पे एक दिखेगा ऐप डाटा, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करना है, लोकल में जाना है, और लोकल में आने के बाद यहाँ पे तुमको दिखेगा एक अनरियल इंजन, ठीक है। तो ये भी पबजी पीसी लाइट का ही है, इसको भी डिलीट कर देना। जो तुमको अनरियल इंजन दिख रहा है इसको भी एक बार डिलीट कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा गेम हो गया एकदम सक्सेसफुली डिलीट तुम्हारे पीसी से, ओके। तो अब तुमने अगर इसका सेटअप डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार सेटअप डाउनलोड कर लेना, और मेरे पास पहले से डाउनलोड हुआ हुआ है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो तुमको सेटअप दिख रहा है ना पबजी लाइट का, ठीक है, इसको तुमको करना है इंस्टॉल। और जहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, जो इसका गेम फोल्डर बनेगा, ठीक है, ये देखो ओपन, जो इसका ऐसा गेम फोल्डर बनेगा ना, इस फोल्डर में तुमको जो है तुम्हारा क्लाइंट फोल्डर है ना, ये यहाँ पे ला के डाल देना, ठीक है। कॉपी पेस्ट मत करना इसको, सीधा कट करके यहाँ पे डालना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आएगा तुम्हारा गेम फिर से इंस्टॉल बताएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का री इंस्टॉल हो गया तुम्हारा गेम, ओके। अब जो भी एरर थे वो नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी अपडेट आता है मुझे एक एरर भी आता है। तो देखो, सब पहला वाला अपडेट आया उसमें मेरा माइक काम नहीं किया, अब ये 10 अक्टूबर को अपडेट आया, इसमें गेम बहुत लैग कर रहा था और लॉबी में बार बार स्टक हो रहा था, ठीक है। तो मैंने कल शाम को ही री इंस्टॉल किया था, तो अभी मैं इसको वापस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। तुम एक बार ट्राई कर लेना, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, वर्क करेगी, 100% वर्क करेगी, ओके। तो ऐसे करके तुम्हारा गेम इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो तो यही थी, अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ तुम सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।